मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। 20 दिसंबर को हुई हिंसा में नामजद 16 को मिली क्लीन चिट। पहले भी कई युवकों को सबूत पेश कर छुड़ाया गया। सीए के विरोध में 20 दिसंबर को 3 थाना क्षेत्रों में हिंसा हुई थी। पुलिस मुखबिरों और स्थानीय लोगों की सूचना पर कर रही है काम। मामले की छानबीन में एसआईटी भी जुटी। मेरठ 20 दिसंबर को ही हिंसा में नामजद 16 लोगों को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने पहले भी कई युवकों को सबूत पेश कर छोड़ दिया गया। तो पुलिस मुखबिरों और स्थानीय लोगों की सूचना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि मेरठ में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इतनी ज्यादा हिंसा भड़क गई थी 20 दिसंबर के दिन, जब सीए को लेकर जो विरोध मार्च निकला था वो अचानक से आक्रामक हुआ और उसके बाद आगजनी हुई। पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने फिर मोर्चा संभाला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इसी बीच फायरिंग भी हुई। पुलिस मुखबिरों और स्थानीय लोगों की सूचना पर काम कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का भी गठन किया गया है मामले की छानबीन में, और बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया था, अब उन्हें छोड़ने का काम भी जारी है। क्लीन चिट दी जा रही है जिनके खिलाफ सबूत नहीं है। तो सीए के विरोध में 20 दिसंबर को 3 थाना क्षेत्रों में हिंसा हुई थी, जबरदस्त हिंसा हुई थी, और ना सिर्फ मेरठ में बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर शहरों में इस तरीके से झड़पें देखने को मिली थी। 20 दिसंबर के दिन जुमे की नमाज के बाद यह हिंसक घटनाएं घटी थी, और इसमें आपको बता दें पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई करते हुए, सख्त एक्शन लेते हुए बहुत से लोगों को हिरासत में लिया था। सबूत मिलने पर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमे दर्ज किए गए, कईयों की प्रॉपर्टी यानी कि जो नुकसान पहुंचा था उन हिंसक वारदातों के बाद उनकी भरपाई करने के लिए कुर्की के नोटिस भी जारी किए गए। तो पहले भी कई युवकों को सबूत पेश करने के बाद छोड़ा गया है, और सीए के विरोध में 20 दिसंबर को हुई थी ये हिंसा। पुलिस मुखबिरों और स्थानीय लोगों की सूचना पर फिलहाल काम कर रही है। कौन कौन लोग शामिल थे अभी भी शिनाख्त की जा रही है, और जो बेवजह हिरासत में है उनको अब सबूत पेश करने पर छोड़ा जा रहा है। तो पहले भी कई युवकों को सबूत पेश कर छुड़ाया गया और ये लगातार कार्रवाई जारी है। सीए के विरोध में 20 दिसंबर को 3 थाना क्षेत्रों में हिंसा हुई थी और इस हिंसा में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। अच्छा खासा प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा था। अब मामले की छानबीन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी शामिल है। लगातार अभी भी आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है पुलिस के द्वारा, और जो बेकसूर लोग हैं जिनको हिरासत में लिया हुआ है, जिनके खिलाफ सबूत नहीं है, या फिर सबूत जो पेश कर रहे हैं कि वो कहां थे उस दौरान, हिंसा में शामिल नहीं थे, उन्हें छोड़ा जा रहा है।